संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। आदरणीय साथियों, आपको याद होगा कि ये पेपर लीक मामला सबसे पहले मैंने उठाया था। उस दिन भी जब पेपर चल रहा था तो वो सारी चीज़ें उजागर करके मैंने ये कहा था कि ये 5 बजे पेपर ख़त्म होगा, पर पेपर तो पहले ही लीक हो चुका और सरेआम बिक रहा है। कड़वा सत्य ये है कि ना पर्ची ना खर्ची का वादा कर सत्ता में आए श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पेपर माफिया की ड्योढ़ी पर बेच दिया है। अब हरियाणा में गुण और दोष के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। अब हरियाणा में आपके माता पिता और आप कितने रुपयों में पेपर खरीद सकते हैं इसके आधार पर नौकरी मिलेगी। पहले तो कहते थे कि सिफारिश पर पर्ची शायद आपको मिलती है, पर अब तो सीधे सीधे पेपर बेचने का आलम है। आप बताइए, 7 साल में 28 पेपर बिक चुके, क्या एक भी पेपर माफिया या पेपर बेचने वाले गुंडे को सजा मिली? आज भी ये जो कांस्टेबल का पेपर बेचा गया, जिन बच्चों ने पेपर खरीद लिया लोभ में, लालच में, इस लालच में कि रोजगार मिल जाए, उन सबको तो जेल के अंदर बंद कर दिया। उनका क्या कसूर है? कसूर तो उनका है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैठे हैं और जिनकी नाक के नीचे से, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की नाक के नीचे से पेपर बिक रहे हैं। आज तक कोई FIR दर्ज हुई उसकी चार्जशीट नहीं हुई, आज तक किसी दोषी को 7 साल से सजा नहीं मिली। हरियाणा में रोजगार नहीं, पेपर बेचने और रोजगार बेचने की दुकान भाजपा जजप्पा चला रही है। वो कितनी भी लीपापोती कर लें, कानून बनाकर नहीं, जो सफ़ेद पोश हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर FIR दर्ज करवा, उसे भंग करवा और जज से इसकी जांच करवा ही इसका हल होगा। सर, एक अनिल विज ने यह कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की बात की गई, क्या लगता है आपको, सरकार सीबीआई जांच करवाएगी? आप मुझे ये बताइए, श्री दुष्यंत चौटाला पेपर माफिया की जांच से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों वो बयान दे रहे हैं कि ना सीबीआई से जांच नहीं करवानी चाहिए? दाल में काला है या पूरी दाल काली है? अनिल विज तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना ये है कि हरियाणा की पुलिस जांच करने के योग्य नहीं है। प्रदेश का गृह मंत्री ने फतवा पास कर दिया अपनी पुलिस की निष्पक्षता पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी, वो क्यों CBI जांच से डर रहे हैं? इससे ये साफ नहीं हो जाता कि पेपर माफिया को किसका संरक्षण प्राप्त है? सर, एक सदन में रोका गया, पहले दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू की गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी रोका गया, तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे प्रदर्शन करते जा रहे थे उनको रोका गया, क्या कहें इसलिए अब तक हुआ उठा सामने? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, कांग्रेस की महिला विधायकों के साथ, कांग्रेस के दूसरे विधायक साथियों के साथ, सरसा से हमारे युवा विधायक हैं उनके साथ, हमारे दलित विधायक साथियों के साथ, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार कर रही है, ये उनकी प्रजातंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, ये उनकी तानाशाही रवैये के अनुरूप है, ये उनकी गुंडागर्दी और डंडे के राज से शासन चलाने के तौर तरीके को दर्शाता है। दुष्यंत चौटाला जी तो इस बात के लिए पहले ही उनका परिवार मशहूर है और अब उसके साथ साथ खट्टर साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो मेरा केवल ये कहना है कि प्रजातंत्र की हत्या आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। हरियाणा की जनता देख रही है, करवट जब लेगी तो अर्श से
फर्श तक आने का भाजपा जजपा का समय दूर नहीं है। धन्यवाद।